दूसरा लेबल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता को सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तलाफ है, क्या ये मुस्ताब है, सुन्नत है? अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा ना कोई फायदा होएगा ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल, करने का करो नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासिरुद्दीन अल्बानी भी कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस में लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8 इसमें लिखा है कि इब्ने अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699 इसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते के फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है, और शेख नासिरुद्दीन अल्बानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, एक्सेप्ट फॉर जब वो एहराम की हालत में थे। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढाकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं सुन्नत है। यहां हमारे जो सिर को ढाकने का अक्सर तरीका आम जो मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में वही टोपी, तो एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं वो सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की, थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हम इससे लोगों को डर क्या, और पहनने में मुश्किल क्या, ना महंगी है। अब कुछ टोपी महंगी होती 200 रुपये 1000 रुपये, कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी अच्छी टोपी पहने, मैं सस्ती टोपी पहनता हूं 30 रुपये की, लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस आपका मालिक अगर कहा भाई टोपी मत पहनो, ठीक है भाई टोपी को घीसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो, वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते, क्यों? नमाज के लिए पहनते अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे, लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी किसे में। नमाज के वो टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके अच्छी बात है, लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। मैं क्योंकि बॉम्बे शहर में रहता हूं, बॉम्बे वालों से अगर आप पूछेंगे कि अपने दादा से पूछो 50 साल पहले 60 साल पहले 80 साल पहले बॉम्बे शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा जो दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा, क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानू या ना मानू, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है?
50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 80 سال پہلے، جب بھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے، نو دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی، سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے، کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے. تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے، داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا. ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا، اور لوگ داڑھی اور ٹوپی سے دور بھاگنے لگے. ہم مسلمان بھی داڑھی ٹوپی میں کیا ہے، اسلام تو ہی داڑھی ٹوپی میں، اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو، کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نے؟ کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں، باقی کیا چھوڑو، میں تو ایماندار ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو، یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے، سینکڑوں سالوں سے، اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہ اس نظریے کو بدلے، کیوں نہ بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کیوں نہ اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے،